तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप अकाउंट कैसे डिलीट करें हमेशा के लिए। दोस्तों अभी अगर आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों कैसे डिलीट करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। अगर मेरे भाई ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आसानी तरीके से यहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपने टेलीग्राम पर आना है और टेलीग्राम पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना है क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में आपको जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है बेसिक अर्निंग ग्रुप। जैसे टाइप करेंगे तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा 83 सब्सक्राइबर हो चुका है और यहाँ पर बहुत से जल्द आपको 1000 कंप्लीट करना है। इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। जो भी नया अपडेट होता है सबसे पहले मैं इसी के ऊपर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको करना क्या, कैसे आपको व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर थ्री डॉट पर जाना है और यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। अब जैसे यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी का, प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेना है किस प्रकार से आप दोस्तों यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपका लाइव लोकेशन जो है वो यहाँ पर जो सेट है, तो अगर सेट है तो ठीक है, अगर नहीं सेट है तो आप इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है अकाउंट वाले ऑप्शन पर। जैसे मेरे भाई यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन दिया रहता है डिलीट अकाउंट, तो डिलीट अकाउंट वाले पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है इफ़ यू डिलीट दिस अकाउंट। और यहाँ पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं। चेंज नंबर पर आप क्लिक करना है और जैसे मेरे भाई यहाँ पर चेंज नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका सिम है वो इस तरह से नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में आपको नंबर कंट्री कोड डालना है। कंट्री कोड डाल लेने के बाद ऑलरेडी पड़ा रहता है और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद उसमें यहाँ पर जो पुराना मोबाइल नंबर है वो ऊपर को डालना है और नया नंबर जो है वो नीचे की साइड में डालना है। डालने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर देना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर नहीं चेंज करना है, सीधे आपको डायरेक्टली डिलीट करना है, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपने इसमें वेरीफाई करके रखा है, तो वो मोबाइल नंबर डाल देना है। डाल देने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर आप क्लिक कर देते हैं, कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप आसानी तरीके से अपने अकाउंट को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।